भाई कितना फुट होगा? 10। ओ भाई साहब, गाइस इतना बड़ा गड्ढा। चल अरे अंडवा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस एक खुशखबरी है कि शॉर्ट वीडियो जो हम लोग डालते थे ना, हम लोग का 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए गाइस। तो बस अब क्या करना, खाली वॉच टाइम की ज़रूरत है भाई। तो थैंक यू आप लोग सपोर्ट किए, जो भी शॉर्ट वीडियो पे सब्सक्राइबर आए थे वो देखेंगे, उनके लिए थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए गाइस। यहाँ पर साइड में डीजे बज रहा है, थोड़ा शोर भी आ रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक कलर कहाँ से पा गया? तुम्हारे घर। मेरे घर? हाँ। मेरे घर कहाँ कलर था? अभी एक क्या करेगा, ये तो सब खराब हो गया ना। नहीं। खराब हो गया ना, सही है। खेत में है चना बोया गया है, और इसमें बड़ी वाली पीली वाली सरसों भी है। ये देखिए चना है, ये गाइस ये चना है, ये देखिए। इसमें चने में अभी देखिए, ये देखिए इसका फर होता है, इसके अंदर छोटा छोटा चना होगा, वो ये खाने लायक नहीं है भाई, फट नहीं रहा है। ये देखिए गाइस चना, इसी को बोलते हैं। ये देखिए अभी पूरा नहीं हुआ, अभी ये निकल रहा है। ये देख सकते हैं सारा, ये जो सारा खेत ना चने से और सरसों से बोया गया है। इसमें चना भी है और सरसों भी है, और फिलहाल इधर देख सकते हैं अरहर है, और उधर मटर है, फिर सरसों है। यहाँ पर उपला बोला जाता है इसे, गोईठा वोईठा बोला जाता है। ये देखिए इतना सारा गोईठा यहाँ पर पाथा जाता है। अभी तो फिलहाल इधर कम है, बड़ी वाली बाग में और ज़्यादा होता है। मुझे ये बुला रही है, क्या हुआ? ओ भाई साहब, वो इतना गुस्सा हो रही है, क्या हुआ? काटेगी ना, बहुत प्यारी सी है। इसको बोला जाता है बछिया नहीं, पनिया बोला जाता है, क्योंकि भैंस की है ना। अगर गाय की रहती तो जो बछिया बोला जाता है, और भैंस का है तो इसको पनिया बोला जाता है। बाय 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 बाय, देखो बुला रही गाइस, बाय बाय जाए, बाय बाय बाय, ओके बाय। बुला रही है, और उसकी मम्मी ये है, उस बढ़िया की मम्मी ये है। इतना बड़ा गड्ढा भाई, कितना फुट होगा? 10 फुट है पूरा। ये 9 फुट था, ये तो 9 बता रहा था अभी। 9 फुट है, ये पूरा देखिए इतना बड़ा गड्ढा। और देखिए इसमें पानी अब ऑटोमेटिक निकल रहा है, देखिए नीचे से पानी निकल रहा है। अगर मैं इसमें जाऊँ तो निकल जाऊँगा? कैसे कैसे इसमें से निकल जाऊँगा? ये ले पकड़, मैं जाता हूँ। तो गाइस मैं चलता हूँ इसके अंदर, मैं जा रहा हूँ मैं। हाँ पहले तो गाइस ये जाएगा इस गड्ढे के अंदर, देखते हैं निकल पाता, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा भाई। मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये तो जा रहा है। रिक्स है भाई, रिक्स में इसका है। ओ भाई साहब, ये देखिए गाइस, धूल उड़ रही है। उधर क्या करने जा रहा, उधर से निकल जाएगा, इधर से नहीं निकल पाए। तो गाइस इधर देखिए सब तबाह हो गया, जिसे भी आई ये देखिए पूरा सरसों ही तोड़ दी है। और फिलहाल इधर आते हैं, ये देखिए गाइस ऑटोमेटिक पानी निकल रहा है, ऑटोमेटिक पानी निकल रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी आ रहा है। एक वहाँ पर हम ढीला मार के बताते हैं, आप कैमरा इधर करिए, वहाँ पर थोड़ा सा पानी था, कल खना गया था, परसों का था, परसों का। वो कटेगा ही भाई, नीचे से पानी आ रहा है ना। अब गाइस देखते हैं, हम चढ़ने जा रहे हैं, आप कैमरा। वो जगह बनाया गया चढ़ने के लिए? वो वो जगह बनाई गई है ना चढ़ने के लिए। हाँ तो गाइस ये जा रहा है अब चढ़ने के लिए, देखते चढ़ पाता कि नहीं, निकालना पड़ेगा मुझे। हाँ जगह बनाया गया था, ओहो। ए मामा, हेलो, यहाँ पर सीढ़ी लगाई
लगा दी गई है, कोई गिरे तो ऐसे निकल जाए। अच्छा अब जाता हूँ मैं इसके अंदर, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कितना गहरा है। तो फिलहाल मैं ऐसे जाता हूँ। तो भाई साहब गिरूंगा नहीं ना? नहीं नहीं। ओ भाई साहब गाइस इतना बड़ा गड्ढा, बहुत ही बड़ा, मेरे से भी ऊंचा भाई। हम भी हल रहे हैं, हम भी आ जा, तू भी आ जा। देखिएगा इस हम भी हल गए हैं। तो गाइस इतना बड़ा गड्ढा ये देख सकते हैं, मेरे से कितना बड़ा है भाई साहब। मैं 6 फुट का होने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ, हो जाऊंगा। देखिए गाइस बहुत गर्दा उड़ रही है, दूर फेंके गए हैं बहुत ज्यादा, बहुत। देखिए यहाँ पर पानी था और फिर पानी पूरा पसर गया। फिलहाल इधर से भी निकल सकते हैं, तो देखते हैं निकल पाते हैं कि नहीं। वो देखिए अंकल कितने बड़े लग रहे हैं भाई साहब, हम लोग छोटे हैं बहुत ज्यादा। अरे अंडवा अब इधर पवन चढ़ेगा, देखते चढ़ पाता कि नहीं। नहीं चढ़ पाया, ये भी नहीं चढ़ पाया। चढ़ मत चढ़ इधर से आ जा, इधर से सीढ़ी बनाया ना। तो गाइस ये देखिए इधर से सीढ़ी बनाया गया है, तो फिलहाल मैं इधर से चढ़ता हूँ। चढ़ जाऊँगा भाई साहब, चढ़ जाऊँगा। भाई गजब जुगाड़ है कि गाइस अब कोपिला आ गए हैं। ये यहाँ पर सीढ़ी है और ये ऐसे हलेंगे और ऐसे निकलेंगे। ये देखिए निकल गया, ये इसको मैं हाथ से निकालता हूँ, ऐसे पकड़ के आ जा। निकल गया। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए घर बनाया जा रहा है, ये जो भैया का घर है। और फिलहाल यहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है कि रात में कौन रहता है, रात में ये रहता है हम और मेरे बड़े भाई। अच्छा दो ही तुम लोग रहते हो। लोग देखिए कितना गहरा गड्ढा था और उसमें हम लोग तीनों गए थे और बहुत ही मज़ा आया। और चढ़ने में भाई दिक्कत हो रही है, तो इस साइड चढ़ सकते थे, उस साइड नहीं चढ़ सकते थे, तो फिर चढ़ने की कोशिश किया, चढ़ भी नहीं पाया। तो गाइस क्या हुआ, तो मुझे आना पड़ा क्योंकि घर से फ़ोन आ रहा है कि पापा जाएंगे खेत पे, तुम आओ दुकान पे, तो मुझे अब घर पे जाना पड़ेगा। तो पीछे देखो आ रहा है, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे गाइस, क्योंकि घर है 500 मीटर दूर है, अभी 500 मीटर दूर घर है, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं चलता हूँ घर पे पहले। तो गाइस ये देख सकते हैं सलगम ऐसे होता है, ये ऐसे दिखता है सलगम। अभी इसको धोया नहीं गया, ऐसे उखाड़ के लाया गया है, और देखिए सलगम ऐसे है। ओ भाई साहब इसको काटा जाए, ओ भाई ये क्या हुआ, इसको काटा जाएगा तो उसमें से रेड रेड निकलेगा। वो भी दो है, दो सलगम यहाँ पर रखा गया है। तो फिलहाल गाइस ये है कार्तिक की कॉपी 3-in-1, जो इसमें तीनों चीज़ें हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ, जो ख़त्म हो गई थी तो यहाँ पर उसको दिया जाए। वो गाइस 4 दिन से मुझे बोला जा रहा था ला दो, जिस टाइम पे आता उस टाइम पे नहीं कहा जाता है, जब मैं कहीं जाता हूँ तब मुझे कहा जाता है कि लेकर आओ, मैं भी भूल जाता हूँ। आज जस्ट दुकान से आया, मम्मी बोली तो लेकर आ गया, तो मैं जब दुकान से आता हूँ तो कोई बोलता नहीं। सुबह को बोलते हैं, सुबह दुकान खुली नहीं रहती है तो कहाँ से लाऊँगा मैं, तो वही सुना रहे हैं मुझे सब कि ट्रेन पकड़ के 4 दिन के बाद आया। तो फिलहाल कार्तिक के ले, तो कार्तिक को दे देते हैं। देखो कार्तिक बैठा है, काम कर रहा है इधर। तो गैस अभी नहीं भरवाया क्या? कल तो मांग रहे थे नंबर आप ना, तो फिलहाल यार मम्मी अपनी साड़ियाँ सब बटोर रही हैं। और कार्तिक और राज ऋषभ यहाँ पर देखिए, ये क्या था रहा ऋषभ, वो भाई साहब इतना बड़ा क्या है, पैसा खा रहा है
कि बतासा है, उसको बतासा बोलते हैं, बतासा।